में कुल लोग कुल पर भी अपने नबी का जिक्र जरूर करते हैं। मेरे शेख हुजूर नसीर मिल्लत ने हमें यही दर्स दिया है। आप एक कलाम के शेर के अंदर फरमाते हैं, मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीब। हम ऐसे ही जिक्र नहीं करते हर मौके पर अपने नबी का जिक्र, इसलिए कि जब हशर के मैदान में नबी भी कहेंगे ना कि जहाबू किला नहीं रही किसी और के पास जाओ, तो हुजूर नसीर मिल्लत मेरे शेख फरमाते हैं, मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीब, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। लोग चलते हैं कि मिलता क्या है, ये हर वक्त महफिल सजा लेते हैं, सालाना मिलाद का प्रोग्राम आए महीना आए घर घर के अंदर चलाना, घर घर के अंदर महफिल, हर मस्जिद के अंदर महफिल, इन्हें मिलता क्या है। मैं कहता हूँ और कुछ ना भी मिले क्या ये शर्फ कम है कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब के जश्न की महफल की मेजबानी अदा की। बहुत बड़ा शर्फ है, सोचा जाए बहुत बड़ा शर्फ है, रब्बे कायनात ने अपने महबूब के महफल की मेजबानी दी है, ये महफल भी कोई डरी नहीं है। कुरान कहता है भाई साहब अल्लाह मीसा का नबी नई तो तुम्हें किताब में हिकमा, ये महफिल जो सबसे पहले हुजूर की महफिल सजी ना किसी और ने नहीं, खुद रब्बे कायनात ने सजाई। आज मैं और आप बैठे जिक्र कर रहे हैं ना, मैं और आप बैठ के रब के पास घर के अंदर उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जो मजमा था ना, मजमे के अंदर कोई आम नहीं थे, मजमा सारे का सारा नबियों का, अपनी नबूवत को कायम नहीं रखना है बल्कि मेरे महबूब पर ईमान ले आना है। जिस नबी के जश्न के जिक्र की महफिल में बैठे हैं ना, रब्बे कायनात का मोहब्बत प्यार अंदाज देखिए, रब अपने महबूब से कैसा प्यार करता है। कुरान करीम के अंदर बेशुमार मिसालें मिलती हैं। एक मकाम पर मेरा रब फरमाता है, फला व रब्बिका ला युक्मिनूना हत्ता युहक्किमूक, महबूबा मुझे तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका मुझे तेरे रब की कसम, मुझे बोलो बोलो मुझे। इसे भी आसान मिसाल में पेश करता हूँ, सूरत फील है, पारा नंबर 30 है, बच्चे बच्चे को याद होती है, अलम तारा कैफा फाला रब्बु, महबूबा क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, तेरे रब ने पाला रब्बु का, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। बेशुमार मकामात पर यह अल्फाज मिलते हैं, वाला रब्बु का सोनिया, जब तेरे रब ने कहा अदब से सर झुका के हाथ बांध के अर्ज की, मौला तू रब तो आदम का भी है, तू रब तो नूह का भी है, तू रब तो इब्राहिम का भी है, तू रब तो इस्माइल का भी है, ये क्यों नहीं कहता कि मुझे यूसुफ के रब की कसम, ये क्यों नहीं कहा कि मुझे इब्राहिम के रब की कसम, ये क्यों नहीं कहा कि मुझे इसहाक और याकूब के रब की कसम, ये क्यों नहीं कहा कि मुझे ईसा के रब की कसम, मोहम्मद का रब कह के क्यों अपनी रबूबियत की इजाफत महबूब की तरफ क्यों करता है। आवाज़ें कुदरत आती है, जहान वालों याद रखो मैं पहले मोहम्मद का रब हूं फिर सारे जग का रब हूं। उसे अपने महबूब के महफिल की खुशियां भी अदा करता है।
बंदा परेशान बैठा हो हुजूर के जश्न की महफिल में बुझाओ का चेहरा अच्छा बोलो बोलो बुझाओ का चेहरा अच्छा नहीं लगता बुझाओ का चेहरा अच्छा नहीं लगता आप पूछेंगे क्यों तो मैं आज करता हूं कसम है उस जात की जिसके कब्जा है कुदरत में मेरी और आपकी जान है मेरे आका चेहरे बुझाने नहीं आए सुभान अल्लाह मेरे आका चेहरे बुझाने नहीं आए अजमत रब काबा की कसम मेरे आका तो बुझे हुए चेहरे भी चमकाने आए क्या बात है करा के बोलो सुभान अल्लाह और ये भी याद रखिए चमकता सिर्फ उसका है जिसे मेरे आका चमकाए जिसे मेरे आका चमकाए सिर्फ उसका चमकता है हालांकि आदम चमके वजूद आदम का है चमक मुस्तफा की हजरत नूह चमके वजूद हजरत नूह का है चमक मेरे आका की है अला आदम कयास जैसे इतना मस्जिद साहब से मैंने पूछा हजरत साहब की मोहब्बत प्यार है इनकी ये शफकत भी है इन्होंने जो मुझे हुक्म दिया वो बहुत तवील एक था लेकिन क्योंकि बैठक के अंदर जहां हम बैठे थे चाय पी लिया वहां पर एक और मेहमान भी जिनका आपको बड़ी बेताबी से इंतजार होगा मैंने सुना बहुत अच्छा पढ़ने वाले नाम तो शायद फारूकी साहब पढ़ते हैं उन्होंने भी अपनी आदमी पेश कर दी है मैं तभी गुफ्तगू नहीं इख्तिसार के साथ ही सिर्फ टच करके थोड़ा थोड़ा बोल दो ताकि आपके जहन के अंदर बात बैठती जाए आदम से लेकर आज के दिन तक औलादे आदम में से अंबिया और सलीम औलिया जो भी चमका है वजूद उस बंदे का है चमक मुस्तफा की है और याद रखो जिसे मेरे आका चमकाए ना जिंदा रहे तो चेहरे चमकते हैं जिंदा रहे तो चेहरे चमकते हैं दुनिया से चले जाए ना तो उनकी कब्रें भी चमकती हैं चमकता चेहरा देखना हो ना भूल ना लेंगे बाजी क्लिप के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह जेलों के अंदर जहां भी लोग मुजाहिदीन इफ़्ज़ की क्लास के अंदर यहाँ आपने दाखिला लिया था ईदगाह के अंदर नया मामला जेलों शहर के अंदर वहां का तशरीफ लाए मैं बिल्कुल करीब था बल्कि जब आप तशरीफ ला रहे थे उस वक्त बाइक के ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी मैंने खुद करीब से देखा है मेरे आका ने हजरत हुसैन नजदी का चेहरा चमकाया उस एक चमकते चेहरे ने एक दो हजार नहीं कई ख्वाजा करीम नवाज का चेहरा चमकाया उस एक चमकते चेहरे ने एक ही मजलिस में 90 लाख को कलमा पढ़ाया चमकते चेहरे देखने हूँ हमारे बुजुर्गों के चेहरे देखिए चमकती कब्रें देखती हूँ ना या फिर अजमेर के ख्वाजा की कब्र देख लो या लाहौर के दादा की कब्र देख लो चमकता सिर्फ वो है जैसे मेरे आका चमकाए मैं आपके नाम से बात करती हूँ हजरत ने एक बीच में से एक तार लाई थी आला हजरत अजीम मरकब मुजद्दद अजीम और मिल्लत परवाना इश्क मोहब्बत बरेली की तार था आपने क्या खूब तर्जमा की थी याद रखिए ना आला हजरत को पढ़ना आसान है ना आला हजरत को समझना आसान हजरत ने एक तार लाई थी मैं यही की उस बात को आगे लेके चलते हुए मैं चाहता हूँ कि इस बात की तर्जमानी ना की जाए और इस्तेगासा भी है मिस्रे के दूसरा जो मिस्रा उसके अंदर इस्तेगासा है आपको झूठी बात आगे अपना करें सोने यहाँ जिसने अबू बकर सिद्दीक को चमकाया है फारूक आजम को उस्मान अली को मौला अली को अदाद हसैन करीमैन को तमाम सहाबा इकराम को सोनिया करम कीजिए हमारे दिल को भी चमका दीजिए सबसे पहले वाले में दिल भी
ये बाईद नहीं मेरे आका करम फरमा देते हैं हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं। आज मैं और आप भगवान की जामे मस्जिद के अंदर बैठकर हुजूर की बारगाह में अगर इस्तगासा करते हैं सिद्दीके दिल के साथ सच्चे दिल के साथ हुजूर की बारगाह में अर्ज करें छोड़े हमारे दिल चमकाओ आका करम फरमा सकते हैं। इसलिए कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा आप फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर का बचपन जब हुजूर अपने पंगुड़ा मुबारक में होते थे इधर हुजूर का हाथ मुबारक जाता आसमान का चांद भी उधर ही चला जाता था। मेरे आका ने फरमाया ऐ चचा अब्बास क्या आपने सिर्फ आसमान के चांद का हिलना देखा क्या किसी भी अजीब बात न बताओ अब की सोनिया इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे चचा अब्बास जब मैं अपनी अम्मा आमिना के पेट के अंदर था ऐ चचा उस वक्त जब लोहे महफूज पर कलम चलता था जब लोहे महफूज पर किसी बंदे की तकदीर लिखी जाती थी मैं अपनी अम्मा आमिना के पेट में लेकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की भी आवाज को सुन लेता था। लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते वो मेरी और तेरी इस इल्तिजा को बल्लोमार के अंदर बैठकर जो गुलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर गुंबदे खजरा में हमारी इल्तिजा भी समाज फरमा रहे हैं। गज के बोलो बोलो मेरा मजा क्या है मेरे आका ने करम फरमाया। मैं और आप हुजूर के जश्न की महफिल में बैठे हैं ये तवील गुफ्तगू अगर आगे तक चलाए होगा तो कई घंटे तक ये गुफ्तगू चल सकती है। अस्तु मौला जब कुछ भी ना था तू था जब कुछ भी ना होगा तू होगा फिर ये कायनात को क्यों सजाया है कायनात को क्यों बनाया है। मौला ने बताई महबूबा मैंने सारी कायनात को सजाया है तेरे लिए सोने सारी कायनात को बनाया है तेरी याद के लिए और तुझे बनाया है अपनी जात के लिए। महबूबा सारी कायनात से पहले मैं तेरे रूप को तकलीफ करवाऊंगा आगे इस गवाह है बहर वाखलक अल्लाह लोगियों का माता हुजूर फरमाते हैं सारी कायनात से पहले रब्बे कायनात ने मेरे नूर को तस्दीक फरमाया। हजरत जाबिर हदीस बहुत मशहूर है अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे अपनी अल्लाह मम्मी अखबरनी अन अव्वल शयइन खलकहु अल्लाह तआला क़ब्ल अल अशिया सोने अरसा गुजर गया है मेरे ज़हन के अंदर सवाल आता है रब ने सबसे पहले किसे बनाया होगा सारी कायनात से पहले रब ने पहले जिसे तख्लीक किया है वो पहली रब की तख्लीक क्या है। हुजूर मुस्कुराए फरमाया जाबिर उससे पूछ रहा है जो सबसे पहले बना है और मैं ऐ जाबिर अपने कायनात में सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने रूह से तकलीफ फरमाया उस वक्त का लो थी ना कलम ना शजर ना हजर ना जिन ना बशर ना बहर ना बार ना खुश ना तार ना जमीन ना आसमान है जाकर उस वक्त कुछ भी ना था पहले खुदा था फिर उसका प्यारा मुस्तफा था। सारी कायनात से पहले मैं कायनात थे मेरे और तेरे नबी के नूर को तकलीफ फरमाया है। ताजदार कोड़ा की मेरे विचार फतला है ताला ले आपने क्या मुत्तर के बारे फरमाई आप फरमाते कौन सा या कौन से कल की गल है सूरह यासीन से की आखिरी आयत याद कर रहे हैं नमा हु इला अला शय अन यकुल लहु कुन फयकून। मेरे शेख के जदे आला फरमाते हैं कौन फाया कौन ते कल की गल है कसम अते परीत लगाई तू मैं हरफ निशान ना
حاصل آئے تھے اشاق جو شمار پر پڑھنے میں آتے ہیں. حضرت چشتی نے کہا, حضرت چشتی لکھتا ہے کہ نور محمد اس ویلے دا جب زمین آسمان ہی نہیں سی, نہ سورج نہ چاند نہ تارے, اب کونوں مکان بھی نہیں سی, نہ عرش نہ کرسی نہ دو قلم, اب آن زمان بھی نہیں سی, آزم آدم حبا والا اب نام و نشان بھی نہیں سی. بولو بولو, اب نام و نشان بھی نہیں سی, اب نام و نشان بھی نہیں سی. کیونکہ میں کئی شکر کے قریب ہی آدمی چلتی رہتی ہیں, ہمارا علاقہ بھی قریب ہے آپ کی بارے سے بات جیلم سے دربار عالیہ قریب ہے. حضور تاجدار کا یہ پیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب آپ نے بہت مدد فرمائی ہے. کھڑی کا تاجدار بولا فرماتے قدرت آئی اے آدم, یہ تیرے ساتھ
से तुझे देखने नहीं आते। मौला फिर क्या देखने आते हैं? हमारे कुदरत आई आदम, तेरी पेशानी के अंदर मेरे महबूब का नूर है। ये नूरी फरिश्ते नूरे को सभा की ज़ियारत करने आते हैं। मुस्तफा की ज़ियारत की, पत्ते मोहब्बत से चूम भी लिया और आंखों से भी लगा लिया। आज औलाद आदम में से जो हुज़ूर के सच्चे गुलाम है, हुज़ूर का नाम है नामी आए और चूमते भी लिए आंखों से भी लगाते हैं और अर्ज करते हैं कुर्रत आइनी बिक या रसूल अल्लाह, महबूबा तेरा ना ही सड़िया अखां दी ठंडा के। अल्लाह के आदम के बाद तेरे नूर मुस्तफा पाक रहे महबूबा खुशबू में मुंतकिल होता रहा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान की पेशानी में चमका, हुजूर के दादा मक्के के सरदार काबे के मतवल्ली, जिधर जाते दुनिया खड़े होकर देखती। अल-मुख्तसर ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फिर नूर मुस्तफा आया हुजूर के बाबा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी मुबारक में। हजरत अब्दुल्ला कहते कहीं बीबियां ख्वाहिश रखती थी कि अब्दुल्ला की दुल्हन मैं बन जाऊं, अब्दुल्ला की दुल्हन मैं बन जाऊं। एक फातिमा नामी का जिक्र हदीस के अंदर भी मिलता है, मक्के की रहने वाली फातिमा बीबी है, कहती है अब्दुल्ला मैं तेरी दुल्हन बनना चाहती हूँ। आप फरमाने लगे, उस वक्त जा रहे थे तिजारत की घर से, फरमाया मेरे पापा अब्दुल मुत्तलिब साथ हैं, हम तिजारत के लिए जा रहे हैं, तिजारत से वापस आएंगे फिर जो फैसला मेरे बाबा का होगा वही मेरा होगा, जो मेरे बाबा का फैसला होगा वही मेरा होगा, जो मेरे बाबा का फैसला होगा वही मेरा होगा। तीन बार मैंने इसलिए कहा है कि आज का नौजवान कहता है अब्बा तो पुराने जहन का मालिक है, अब्बे को क्या खबर है कि आज के दौर के अंदर कैसे गुजर पसंद की जाती है, कैसे वो अलग से लैक बनाई जाती है। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के बाबा कहते हैं फातिमा जो मेरे बाबा का फैसला होगा, जो मेरे बाबा का फैसला होगा वही अब्दुल्ला का फैसला होगा। खुदा की करनी हजरत अब्दुल्ला की दुल्हन बन गई सैयदा आमिना, नूर मुंतकिल हो गया सैयदा आमिना के यहां। अब्दुल्ला जा रहे हैं वही बीबी उसी गली के अंदर खड़ी है, अब्दुल्ला को देखकर अपना चेहरा फेर लिया। अब्दुल्ला कहते हैं फातिमा तू तो मेरी दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखती थी, आज मुंह क्यों फेरा है? फातिमा कहती है नहीं अब्दुल्ला, जिधर जाती है खुशबू बता देती है आमिना इस कस्बे से गई है, तो जिस कमरे में बैठी होती है खुशबू बताती है आमिना इधर बैठी है। सैयदा अर्ज करती है बाबा कसम है उस दात की जिसके कब्जा की कुदरत में मेरी जान है, मैंने कभी कोई इत्र नहीं लगाई, कभी कोई इत्र नहीं लगाई, कभी कोई खुशबू नहीं लगाई। ऐ आमिना फिर ये खुशबू कैसी है? तवज्जो, ऐ आमिना फिर ये खुशबू कैसी है? अर्ज की बाबा आप अभी मैं ज्यादा देर आई नहीं रहूंगा,
सैयदा आमिना हुजूर की अम्मी जान, आप क्या कहती हैं जब उनके मुस्तफा मेरे बदन के अंदर थे, क्या था? मेरे और तेरे लगभग लगे की अम्मी जान सैयदा आमिना फरमाती हैं, उन्हें मुस्तफा मेरे पेट के अंदर है, फरमाती हैं रात को मैं आमिना सो जाती, कभी आदम आके मुबारकबाद देती, कभी यहया आके मुबारकबाद देती, कभी नूह आके मुबारकबाद देती, आप फरमाती हैं कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आ जाती, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह बाप के अंदर आके मुबारकबाद देती, कभी मूसा कलीमुल्लाह के मुबारकबाद देती, कभी ईसा रूहुल्लाह के मुबारकबाद देती, आप फरमाती हैं मैं सो जाती हर रात एक एक नबिया के और आकर मुबारकबाद देते दुनिया में ना, तू अपनी किस्मत पे नाज कर, तू बड़ी मुकद्दर वाली है, तू बड़ी किस्मत वाली है, इसलिए के नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सैयदा आमिना फरमाती है नूरे मुस्तफा मेरे बदन के अंदर है, यहां लोगों भी तो नूरे मुस्तफा का ज़हूर नहीं हुआ, मेरे और तेरे लगभग लगी की अम्मी जान फरमाती है, जब मेरा आमिना बाहर निकलती फरमाती है जिस पत्थर के करीब से गुजरती, से कहती नहीं आमिना ये पत्थर आवाजें तुझे देता है, फरमाती है जब मैं किसी दरख्त के करीब से गुजरती, दरख्त की टहनियां झुक जाती, हर हर पत्ते से मुबारक पानी की आवाजें आती, आप फरमाती हैं उस वक्त में आमिना जब कभी बाहर निकलती सहेलियों के साथ किसी काम के लिए जा रही होती, फरमाती हैं आसमानों पर प्रवास करने वाले परिंदे मेरे सर के करीब आके अपनी अपनी बोलियों के अंदर मुझे मुबारकबाद देते, कहते नहीं आमिना तू बड़ी बदकुमारी है, इसलिए के नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सैयदा फरमाती है उस वक्त कायनात के अंदर जितनी मखलूकात थी, हर खल्क को ये खबर हो गई कि अभी इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक करीब आ गई है, अब वो नबी आने वाला है जिसकी आमद पर कायनात अर्ज़ो समा में रब की हर तखलीक की खुशियां मनाए। कहते बोलो सुभान अल्लाह, इसीलिए तो शायर भी कहता है चलता।
सुनता है कि जिस रास्ते पर मेरे और तेरे दरबार नबी की अम्मी चलती थी ना, जानवरों ने कभी उस रास्ते पर अपना पेशाब भी नहीं किया। रात का वक्त है, मैं अपने कमरे के अंदर क्योंकि अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, मैं अपने रूम अपने होने अपने कमरे के अंदर अकेली थी। एक तसव्वुर पेश किया जाता है उस वक्त सिर्फ उसे चीफ ली है कमरा नहीं था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आपके अलावे रहेंगे आपके बेटे और बेटे का अलग अलग कमरा अलग अलग माल और बेटे की सोजा अपने अपने कमरे में। सैयदा फरमाती है कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, मैं अपने कमरे अपने रूम के अंदर के लिए थी। महसूस की विलादत का वक्त करीब आ गया, फरमाती है मैं सोचने लगी कि यहां मेरा ये वक्त बड़ा सख्त होता है, बीवी दूसरी पास कोई नहीं है, दूसरी बीवी की जरूरत होती है, दाई की जरूरत होती है, वक्त के एकदम हाथ बड़े सख्त होते हैं। फरमाती है मैं सोच रही थी अचानक मेरे का दरवाजा खुद खुला, चार बीवी आई, माने वाली कहती है मेरा कमरा आने का, पहली बोली में हवा हो, दूसरी बोली में आसिया हो, तीसरी बोली में हाजिरा हो, चौथी बोली में अल्लाह के नबी ईसा की माँ मरियम हो। सारी कहने लगी नहीं आमिना, हम इस वक्त अपने रुतबे अपने मकाम अपनी शान और शौकत इस वक्त हम मुकद्दस माइयां बन के नहीं तेरे मोहम्मद की दाइयां बन के आए हैं। अभी तक चांद की विलादत नहीं हुई, रब खुद पहले मुंह मीठे करवा रहा है। फरमाती है पीने की देखती मुझे यूं महसूस हुआ कि खाने का मैंने नूर मेरे जिस्म से नूर जुदा हुआ है। फरमाती है बैठी मक्के में थी, नूरे मुस्तफा से जब कायनात अब्सो समा रोशन मुनव्वर हुए, मैंने मक्के में बैठकर शाम के महलात को भी देख लिया। इसलिए कि इज्जतदार घरानों की बीवियां चार दीवारों में रहती हैं, इज्जतदार घरानों की बीवियां चार दीवारी में रहती हैं। ऐ आमिना तूने क्या देखा है, मेरा काम ऐसा है, मैं हर महीने में जाती हूँ, मैं दाई हूँ, हर खानदान के साथ पास जाती हूँ, इलाके मैंने देखे हैं। ऐ आमिना मैं हलीम ना, उन्हें भी तेरे मोहम्मद जैसा सोना कोई
तक सारे नबियों को देखा, यहां तक हुस्ने यूसुफ को भी देखा है, आज तक मैं जिब्रील ने भी मोहम्मद जैसा सो रहा सिर्फ इसलिए कि हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको जब से कलमा है पढ़ना नबी, पढ़ना तो नहीं, जब करेगा इशारा हमारा नबी, कोई नबी ना कयामत तक आएगा, कोई नबी ना कयामत तक आएगा, ये अकीदे की बात है, अकीदा तक में नबूवत की बात, मेरे शहर में नबी आप फरमाते हैं कोई नबी ना कयामत तक आएगा, अब कयामत तक है, इतना देते थे उसकी नस्लों को भी मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो सीरत वाले होते हैं वो मीलाद वाले
यहाँ सीरत के जलसे होते हैं किबला, वहां मीनार का जलसा, मीनार का जलसा। दिलो दिमाग के सोच के बताइएगा कि अगर मीनार ना होता तो सीरत का वासी होती? अगर मीनार होता ही ना तो सीरत कहां से होती? अल्हम्दुलिल्लाह हम मीनार वाले भी क्या हो रहे हैं, इंशाल्लाह हुजूर की हर सुन्नत